फैक्ट्स मार्वल के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आप रॉकेट को तो जानते होंगे, तो आपको पता पहले एवेंजर्स एंड गेम में रॉकेट ग्रूट के पीस का ब्रेसलेट पहनने वाला था हाथ में, लेकिन बाद में ऐसा कैंसिल कर दिया गया। तो आपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी तो देखी होगी, तो आपको पता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी पूरी न्यूयॉर्क सिटी की लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन मूवी है। तो स्पाइडरमैन को तो जानते होंगे, तो आपको पता है कि स्पाइडरमैन अपने हाथ और पाँव की मदद से दीवारों पर चढ़ सकता है, लेकिन आपको पता है स्पाइडरमैन अपने हेड, चेस्ट और बैक की मदद से भी दीवारों पर चढ़ सकता है। तो स्पाइडरमैन को तो जानते होंगे, तो आपको पता है स्पाइडरमैन का जितने अमाउंट का स्क्रीन टाइम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में था, उतना ही अमाउंट का स्क्रीन टाइम उसका एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में था। तो आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी तो देखी होगी, लेकिन क्या पता है एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में हमें 4 एवेंजर्स बताए गए थे जिनको की चोक किया गया था। सबसे पहले आता है हल्क जिसको की चोक किया था आयरन मैन के हल्कबस्टर आयरन मैन ने। सेकंड नंबर पे आता है आयरन मैन जिसको की चोक किया था थॉर ने। थर्ड नंबर पे आता है कैप्टन अमेरिका जिसको की चोक किया था अल्ट्रॉन ने। और फोर्थ नंबर पे आता है थॉर जिसको की चोक किया था अल्ट्रॉन ने। तो आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 तो देखी होगी, और आपको पता है कि कैसे बेबी ग्रूट आई एम ग्रूट बोलता रहता है। तो आपको पता है बेबी ग्रूट ने पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में 13 टाइम्स आई एम ग्रूट बोला था। अब टॉम होलैंड को तो जानते होंगे, लेकिन आपको पता है जब टॉम होलैंड सेट पे अपने स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में रहते थे, तो उन्हें जूस या फिर पानी पीना होता था, तो वो स्ट्रॉ को स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के आग से डालते थे। सबने एंड गेम में तो देखा ही था कि कैसे टोनी स्टार्क ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन आपको पता है इटली में आयरन मैन के ऑनर के लिए एक स्टैचू लगाया है, इसका टाइटल है मैन ऑफ स्टील। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस।